दोस्तों, हाउ टू बिकम रिच इन इंडिया के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। देखो कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है खाली हाथ आया है, बट जब आप आर्थिक रूप से अमीर होंगे तो आप वो कर सकते हो जो धन से खरीदा जा सकता है, अर्थात धन का सदुपयोग। अगर आपके पास धन है तो आप ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों के लिए इसे बांट सकते हो, अनाथ बच्चों के लिए इसे बांट सकते हो। अगर आपके पास धन ही नहीं है तो आप लोगों को खुशियां कैसे दोगे? तो आइए हम आज से अमीर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपने धन कमाना है तो एक फिक्स डेट रखिए, कितनी देर में मैं कितने पैसे कमाने हैं। मान लिया कि आप 10 लाख एक महीने में कमाते हो तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस देनी पड़ेगी। तो हमने यह देखा कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है 1 लाख, 50 हजार, 20 हजार, 10 हजार। तो उसको अपने साथ कुछ पार्टनर्स या कुछ एम्प्लाइज जोड़ने पड़ेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं। तो आपने योजना बनानी है कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विस देनी है तथा आपने एम्प्लाई से कैसे काम लेना है, उसको कौन सी सैलरी देनी है या पार्टनरशिप में कौन सा हिस्सा उनको देना है। तो इन सब बातों के बाद हम आगे जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि चाहे आपने फिक्स कर लिया 10 लाख कमाना है और यह भी सोच लिया कि इसके बदले में मैं प्रोडक्ट्स या सर्विस दूंगा, तो यह एक इच्छा आपके अंदर आनी चाहिए, डिजायर, तथा यह इच्छा को हमने रोज दोहराना है, रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं 10 लाख कमा के ही रहूंगा। यस, 1 अगस्त 2013 से 31 अगस्त 2013 तक मैं 10 लाख कमाऊंगा ही। आपने रोज इसको रिपीट करना है, सुबह उठते हुए और शाम को। आपकी यह डिजायर आपकी ड्रीम्स बन जाएगी। जब आपकी यह ड्रीम्स बन जाएगी, आपके सपने में भी यही आएगा, तो जो नेचर है आपको 10 लाख देगी ही देगी। जब आपके ड्रीम्स ही नहीं बने, जब आपकी इच्छा ही नहीं है, नेचर आपके लिए क्यों सपोर्ट करे? नेचर उन व्यक्तियों के लिए सपोर्ट करती है जो कोई इच्छा पालते हैं, कोई डिजायर पालते हैं, तो नेचर उसको वो चीज देती ही है। तो हर रोज इसको दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। आपके मन, आपके दिमाग, आपके हर एक अंग में, आपके हर एक एक्टिविटी में आपकी यह इच्छा, जो जो ये ड्रीम्स हैं वो समाये होने चाहिए। नंबर 2 पे है ट्रस्ट। दूसरी जो सबसे मजबूत जो चट्टान है आपको अमीर बनाने के लिए, के विश्वास रखना, इस बात में विश्वास रखना कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्वालिटी है। यह विश्वास रखना जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें क्वालिटी है। अपने आप में विश्वास रखना, आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। आप 10 लाख दे रहे हो तो उसके बदले में जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसमें क्वालिटी है तो ही आपको 10 लाख मिलेंगे। यदि आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सर्विस में, अपने आप में विश्वास नहीं है तो कभी आप 10 लाख एक महीने में नहीं कमा सकते। तो यह जो जुनून है विश्वास का, यह आप में दिन रात पैदा होना चाहिए। एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाता हूं जिसने इस दो चीजों से नेचर के सिद्धांत को बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था निपोलियन हिल। उसका एक बेटा, वो बेटा जन्म से ही ना सुन सकता था ना बोल सकता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नेचर ने इसके अंदर कोई मशीन नहीं बनाई ना सुनने की ना बोलने की। तो उसका फादर क्या निराश हो गया? नहीं, उसने एक इच्छा रखी, उसने नेचर के सामने एक बगावत की कि मैं अपने बच्चों को बोलना भी सिखाऊंगा और उसको यह शक्ति पैदा करूंगा उसमें कि वो सुन भी सके। उसके लिए वह रोज ही चीखता था अपने बच्चे के सामने, उसको समझाने की कोशिश करता था, पर बच्चा
उसकी तरफ देखता ही रह जाता था। ऐसे ही 7 साल बीत गए। उस फादर ने एक मशीन के ऊपर ट्राई किया, बच्चा तब भी नहीं सुन सकता था। ऐसे करते करते उसने दूसरी मशीन लगाई, तीसरी लगाई, 500 मशीनें लगा दी, पर कोई उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही थी। पर फादर जो था वो उसने हिम्मत नहीं हारी। हर रोज हर महीने वो एक ही बात सोचता था कि मेरा बेटा कभी ना कभी सुन सकेगा, कभी ना कभी बोल सकेगा, क्योंकि उसे यह पूरा विश्वास था, उसे अपने इस इच्छा के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। इसके लिए उसने अपना घर भी बेचा, अपनी जमीन भी बेची। अगर उसे लोन भी लेना पड़े तो वो लोन लेने के से भी पीछे नहीं हटता था, क्योंकि उसे अपने बेटे को सुनता हुआ देखना चाहता था, उसे बोलता हुआ देखना चाहता था। तो ऐसे ऐसे करते करते उसने कम से कम 500 से ज्यादा मशीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पर बेटा उसका भी नहीं सुन सकता था। तो एक दिन एक ऐसी कंपनी का ऑफर आया कि यह सुनने वाली मशीन है, तो उसने उसको खरीदा। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। कहीं से लोन लिया, मकान को बेचा, तो वो खरीद लिया। बेटा कॉलेज में है, एक बार उस मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, तो देखता है कि बेटा जो है वो प्रोफेसर को सुन सकता है। तो बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे फादर ने दिन रात एक कर 500 से ज्यादा मशीनें मुझे खरीद के दी, आज यह मशीन से मैं सुन सकता हूं। तो उसकी सबसे पहली कॉल अपने फादर को थी। फादर ने जब उसकी बात को सुना, क्योंकि वो इतना खुशी से पागल हुआ था कि वो बोलना भी सीख गया, तो फादर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा जो था उसका, वो अपने फादर के पास आता है तथा कहता है कि पापा, आपने जो इच्छा की थी, आपने जो ट्रस्ट अपने आप में दिखाया था, आज वो सफल हो गया है, आज मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ। तो पापा, मैं आपका जितना भी ये लोन है, आपने जो मकान गिरवी रखा है, जो मकान बेच दिया है, वो मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। मैं इस मशीन को बेचना चाहता हूँ, आपकी तरह ही, आपकी इच्छा की तरह, आपके विश्वास की तरह, मेरे में भी ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ। तो पापा ने कहा उसके, चलो इसको बेच के दिखाओ। तो वो जो उसका बेटा था उस कंपनी में गया, उसे अपना प्रोजेक्ट बताया कि मैं लोगों को बताऊंगा कि इस मशीन को खरीदना ही चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट कंपनी ने सुना, तो वो व्यक्ति उन बहरे व्यक्तियों के पास गया तथा उससे उस मशीन की खूबियां बताई। तो जब वो व्यक्ति जो 25-26 साल बहरा रहा, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उसने जब यह बात उन व्यक्तियों को बताई, तो किसी ने किसी भी कीमत पर उस मशीन को खरीदा, चाहे उसकी कीमत ज्यादा थी। तो इतनी मशीनें बिकी है, तो वो उसका बेटा लखपति नहीं तो अरबपति तो बन ही गए। तो ऐसे ऐसे लोगों की जीवनियां भरी पड़ी हैं इस विश्व में, जिन्होंने इच्छा रखी, जिन्होंने ट्रस्ट रखा, वो अमीर बने ही हैं। तो हम क्यों नहीं अमीर बन सकते? सिर्फ एक इच्छा पैदा करनी है, हमने जो टारगेट रखा है दिन रात उसको दिमाग में घुमाना है तथा इसके ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास कि हाँ मैं यह करके दिखाऊंगा, जितना टारगेट रखा है मैं उतना बन के दिखाऊंगा। उसके बदले में जो प्रोडक्ट दूंगा उस वह क्वालिटी वाला होगा, जो सर्विस दूंगा वो क्वालिटी वाली होगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।